इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड पावर मेड इजी सीरीज से पार्ट 9, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन फेनोमेनाज या अकरेंस जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। कई जगह आप लिखा हुआ देखते तो होंगे, लेकिन उनका जो करेक्ट अर्थ है वो समझ पाने में थोड़ा सा मुश्किलात होते होंगे आपको। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड पावर मेड इजी सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं और इसके 8 पार्ट मैंने आपको लगभग दे दिए हैं। तो इसमें आधी से ज़्यादा बुक आपकी ख़त्म हो गई, अब हम अंत की तरफ इसके बढ़ रहे हैं, जिसमें ये पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ कॉमन फिनोमेनाज या अकरेंस के बारे में जो कि घटते हैं हमारे आसपास, तो उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं और क्यों ऐसा हम कहते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप बाद में रेफरेंस के लिए बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। अगर आपने पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सारे 8 पार्ट्स को देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया वोकेबलरी एक बिल्ड हो जाएगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वर्ड मैंने बताए और बहुत सारे उनके रूट वर्ड्स बताए हैं, जिनके आधार पर और कई सारे नए शब्द जो आपके सामने आएंगे उनका भी अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो उन सारे पार्ट्स को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो वर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है वो क्या है, पेन्यूरी कहते हैं इसे। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है फॉर वॉन्ट ऑफ द ग्रीन स्टफ। अब यहाँ पे ग्रीन स्टफ का मतलब क्या है, ग्रीन स्टफ का मतलब है पैसा, ठीक है। मतलब ये जो कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की पेन्यूरी में अगर वो है, तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं आपके आसपास देखते होंगे कि जिनके पास किसी भी तरह की लग्जरी नहीं होती। जैसे हमारे पास फैन होता है, अगर गर्मी लग रही है हम फैन चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, टेलीविज़न सेट्स होते हैं, रेडियोज़ तक उनके पास नहीं होते हैं कुछ सुनने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, यहाँ तक कि सफिशियंट फूड तक नहीं होता है। मतलब उनके पास खाने की जो आवश्यक मात्रा है उसका भी अभाव रहेगा, एक अच्छा वातावरण नहीं रहता है जिसमें वो अपने जीवन को बिता सकें। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी कंडीशन क्या कहलाती है, कि वो लोग किस में जी रहे हैं, प्यूनरी में जी रहे हैं। मतलब उनके पास बहुत ही ज़्यादा कमी है हर एक आवश्यकताजनक चीज़ की, या फिर कह लीजिए किसी भी तरह की लग्जरी उनके पास नहीं है जिसमें वो अपना जीवन बिता सकें। लग्जरी क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं कि जो डेली रूटीन के, जैसे टेलीविजन सेट हो गया, इलेक्ट्रिक ऑरेंज जूसर हो गया, सफिशिएंट फूड हो गया, हीटेड होम्स, हॉट वाटर, कुछ भी उनके पास उपलब्ध नहीं होता है, बहुत ही मुफलिसी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर वॉन्ट ऑफ द ग्रीन स्टफ, मतलब उनको किस चीज़ की ललक होती है, किस चीज़ की जरूरत होती है, पैसे की। अगर उनके पास भी पैसा आएगा तो वो भी क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं होता है, बहुत ही गरीबी में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो ये जो आपका रूट वर्ड है इसका क्या होता है, रूट वर्ड इसका होता है प्यूनेरिया। प्यूनेरिया का मतलब ही होता है नीड या फिर नीडीनेस, मतलब आवश्यकता या फिर नीडीनेस, कि वो आपकी कंडीशन है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्यूनेरिया है या फिर प्यूनरी वाली कंडीशंस हैं, इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम देख लेते हैं क्या कुछ हो सकते हैं। जैसे एक इसका सिनोनिम होता है पार्सिमोनियस, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है इसी वर्ड पावर मेड इजी सीरीज वाले में। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे लिखा है पर्सन इज स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस हो। कंजूस हो तभी होगा जब उसके पास पैसे की कमी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्यूनरी वाली कंडीशन होती है उससे ये वाली कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी उससे बेटर होती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पार्सिमोनियस है वो पैसे बहुत चुन चुन के खर्च करता है, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। ऐसा नहीं कर सकता है कि जहां मन करे वहां पे पैसे उड़ा दे। दूसरा इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, दे आर सिंपली लिविंग इन रिड्यूस्ड सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंडिजेंट है, मतलब वो भी क्या है, गरीब है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति भी क्या है, गरीब है, लेकिन प्यूनरी वाली कंडीशन से थोड़ा सा यहाँ पे उसके हालात अच्छे हैं, कि उसके पास ऐसा नहीं कि एकदम से पैसे की कमी है, लेकिन उसके पास इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने यहाँ पे अपने घर पे कुछ लग्जरी का इस्तेमाल कर सके। मतलब वो ऐसा है कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, पेट भर जा रहा है, ये वाली कंडीशन होती है इंडिजेंट की, ओके। मतलब उनके पास कोई लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं है, लेकिन बस खाने के लिए उनके पास है, इतने से ही वो अपना काम चला रहे हैं।
फिर तीसरी जो यहाँ पे सिनोनिम लिखा गया है वो क्या है, डेस्टिट्यूशन। ये हम कह सकते हैं कि जो प्यूनरी वर्ड है इसका डायरेक्ट सिनोनिम है। मतलब अगर बात की जाए इन तीनों सेंटेंसेस में, तीनों का मतलब गरीबी और मुफलिसी की कंडीशन से है, मतलब जहाँ पे पैसे की कमी है और हर एक आवश्यकताजनक चीज़ की कमी है। यहाँ पे अगर बात करें तो तीनों में जो सबसे कहेंगे करीब का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डेस्टिट्यूशन या डेस्टिट्यूट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति डेस्टिट्यूट है इसका मतलब क्या है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। लिखा हुआ है पॉवर्टी सो एक्सट्रीम दैट वन लैक्स द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ। मतलब इतना ज़्यादा उसके पास गरीबी है कि कभी कभी तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मतलब एक वक्त खाने के लिए भी अगर उसके पास नहीं है तो वो कंडीशन क्या होती है, डेस्टिट्यूशन की होती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि प्यूनरी का डायरेक्ट सिनोनिम या फिर क्लोज सिनोनिम कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी ये सारे वर्ड का इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। कुछ एंटोनिम्स की बात करें तो पहला एंटोनिम्स क्या है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, हैविंग ग्रेट डील ऑफ मनी या वेल्दी। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसा है, आप अपनी सारी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, खूब लग्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छा खाने को है, सब कुछ आपके पास है, तो आपकी कंडीशन कैसी है, आप एफ्लुएंट है, मतलब आपके पास आवश्यकता से अधिक हर चीज़ है और लग्जीरियस है आपकी लाइफ। ओके, दूसरा इसी का एक एंटोनिम्स होता है, इसका थोड़ा सा नाम आपने कम सुना होगा, इसे कहते हैं ऑपलुएंस। ऑपलुएंस का मतलब क्या होता है, ग्रेट वेल्थ और लग्जरियसनेस। मतलब जब आपके मतलब एफ्लुएंट से भी ज़्यादा अगर आपके पास अगर पैसा है, धन संपत्ति है, बहुत अत्यधिक मात्रा में हर एक चीज़ उपलब्ध है, जैसे हम किसी बड़े घराने का नाम ले लें, बिजनेसमैन का नाम ले लें, बिल गेट्स का नाम ले लें, तो ये इनके पास क्या है, ऐसा नहीं कि आवश्यकता से अधिक, इनके पास आवश्यकता से भी कहीं ज़्यादा अधिक है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या कहेंगे, ऑपलुएंस कहते हैं। ओके, तो ये तो तीन इसके सिनोनिम्स थे और ये दो इसके एंटोनिम्स हो गए, तो दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, विकैरियस। विकैरियस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट वॉच इट, कम से कम देखो तो। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा क्या गया है कि हम जो भी नॉर्मल पीपल होते हैं, हम जैसे आप जैसे, उनको क्या होता है कि वो लव या फिर किसी के साथ की तलाश में रहते हैं और अपने अंदर भी जो उनकी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, लव है, वो किसी और से बांटना भी चाहते हैं। तो ये एक नॉर्मल इंसान की एक कह सकते हैं कि फीलिंग होती है कि वो दूसरे का प्यार पाना भी चाहता है और अपना प्यार दूसरे को देना भी चाहता है, जो भी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनके जो अपने आप को ऐसी कंडीशन में पाते हैं कि उनके पास कोई नहीं ऐसा होता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, अपना प्यार बांट सके या फिर कोई उनको प्यार कर सके। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या, कौन सी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं विकैरियस कंडीशन। विकैरियस कंडीशन का मतलब क्या है कि वो जो अपनी फीलिंग्स हैं वो किसी और माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे वो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि सेकेंड हैंड हो जाती है उनकी फीलिंग्स, मतलब कि वो डायरेक्टली किसी को अपना प्यार नहीं जताते हैं, डायरेक्टली किसी से प्यार नहीं पाते हैं, वो उसको पढ़ने के थ्रू निकालते हैं। जैसे वो लव स्टोरीज पढ़ेंगे या फिर कोई स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें अगर उनको इमोशनल फीलिंग आएगी तो वो रोने तक लगते हैं। कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि मूवीज़ देखने जाते हैं, बहुत मूवीज़ देखते हैं, तो उनका रीज़न क्या होता है कि वह बहुत अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं, लोनलीनेस होता है, अपने आप कि जो फीलिंग है किसी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मूवी वगैरह देखते हैं तो अगर वहाँ पे कोई दर्द भरा सीन चल रहा होगा तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, रोने तक लगेंगे। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो मूवी के रूप में बाहर आती हैं। मतलब वो अगर सामने कोई व्यक्ति मर रहा होगा तो वो उस व्यक्ति की जगह पे अपने आप को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, और वैसा ही महसूस करके उनके अंदर की जो भावनाएं हैं बाहर निकलती हैं। तो यही जो कंडीशन होती है जिसमें आपकी फीलिंग कैसी हो, सेकेंड हैंड हो, मतलब डायरेक्टली आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और के साथ आप होता देख रहे हैं कुछ भी, और आप सोच रहे हैं कि ये आपके साथ ही हो रहा है और आप उस वजह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, विकैरियस कहलाती है ये कंडीशन। यहाँ पे अगर हम देखें विकैरियस के बारे में थोड़ा सा, कि यहाँ पे लिखा है यू कैन एक्सपीरियंस एन इमोशन देन इन टू वेज। पहला तो होता है कि आप फर्स्ट हैंड आप इमोशन कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आप किस एक्चुअल पार्टिसिपेशन करें किसी भी जगह, कोई किसी के साथ आप अपना दुख बांटें, आपको कोई दुख तकलीफ हो रही है, वो तो फर्स्ट हैंड हो गया, मतलब आप एक्चुअली में सब काम कर रहे हैं, आपके साथ ही कुछ हो रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं। दूसरा होता है विकैरियसली। विकैरियसली का मतलब क्या है, बाई बिकमिंग इम्पैथेटिकली इन्वॉल्व इन अनदर पर्सन्स फीलिंग।
दूसरी कंडीशन ये है कि आप क्या करते हैं कि भावनात्मक रूप से किसी और व्यक्ति की फीलिंग को अपने ऊपर लेकर के महसूस करते हैं, और वहां से आपको जो एक्सपीरियंस होता है फीलिंग, वो क्या कहलाती? विकेरियस फीलिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल देखिएगा कि इफ़ यू वॉच अ फ्यूरियस एथलीट इवेंट एंड यू गेट टायर्ड, दो द एथलीट्स एक्सपेंड ऑल द एनर्जी, दैट्स विकेरियस फटीग। कह रहे हैं कि कई बार आप ऐसे देखते होंगे, कोई भी एथलेटिक इवेंट देखते होंगे जिसमें कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो आपकी दौड़ हो रही हो, कोई भी खेल खेला जा रहा हो, तो उसको आप देखते हैं और आप थक जाते हैं उसको देख करके। आपने कुछ काम नहीं किया, आप केवल बैठ के उसको देख रहे थे, लेकिन आप क्या कहाँ चले गए? विकेरियस फीलिंग में चले गए। मतलब आप सोच रहे थे कि आप ही दौड़ रहे थे या आप ही कोई खेल खेल रहे थे, और जिसकी वजह से आपको कैसी फटीग हो गई? विकेरियस फटीग। फटीग का मतलब आप समझते हैं, फटीग थकान को कहते हैं, ठीक है? तो आपको कैसी फटीग हो गई? विकेरियस मतलब आपने कुछ काम नहीं किया, केवल दूसरे को काम करते देखा और ये सोचा कि वो काम आप ही कर रहे थे, तो उससे भी आपको क्या हो गई? थकान हो गई। तो ये क्या कहलाता है? विकेरियस कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के बाद विकेरियस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं वर्ड क्या है? एफेमेरल। एफेमेरल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? लिखा हो टाइम इज फ्लीटिंग। यहाँ पे लिखा एनी थिंग दैट लास्ट फॉर बट अ शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस। मतलब कोई भी अगर काम है, कोई भी वस्तु है जो बहुत थोड़े समय के लिए हो तो लेकिन बहुत कम समय के लिए हो, और उसका कोई ट्रेस ना मिले बाद में कि वो कहाँ से आया कहाँ गया, तो वो क्या कहलाता है? एफेमेरल। ओके, इसके एग्जाम्पल के तौर पे बुक में लिखा हुआ था बहुत सारे पिरामिड क्लब्स के बारे में। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी होता है, देखते होंगे कि आपके सामने बहुत सारी स्कीम्स आती होंगी जिसमें कहते हैं कि आप 1,000 रुपये दे करके मेंबर बन जाइए, और ये जो आपके 1,000 रुपये हैं आप अपने नीचे कुछ और लोगों को मेंबर बना लीजिए, तो जितने लोग आपके मेंबर बनेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा, और कुछ ऐसे आपको दिवा स्वप्न दिखाएंगे कि कुछ महीनों में आप जो 1,000 रुपये लगा के काम किए होंगे, इसी के बदले में आपको हर महीने लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिलने लगेंगे। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं 1,000 रुपये की तो बात है, वो 1,000 रुपये लगा देते हैं, और यही काम उनका होता है कि ऐसे अगर 1,000 रुपये करके उन्होंने 1,000 व्यक्ति भी पकड़ लिए तो उनका बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, फिर वो क्या होगी? कंपनी ही भाग जाती है। तो वो कंपनी कहाँ से आई कहाँ गई किसी को नहीं पता होता है। अगर ये ट्रेस लगा ही लिया जाए तो आसानी से पकड़ के पैसे वसूले जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली एक दो केस में पता चलता है, वरना पता ही नहीं चलता है कि कंपनी कहाँ से आई थी कहाँ गई, कुछ नहीं पता चला, सारा पैसा लेके रफू चक्कर। तो बहुत थोड़े समय के लिए होता है और इसका कोई भी ट्रेस नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है? एफेमेरल। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है टाइम इज फ्लिटिंग, की टाइम उड़ रहा है, ठीक है, एकदम झटके से होगा खत्म, कुछ भी पता नहीं चला। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है एफेमेरा से। एफेमेरा को ग्रीक भाषा में कहते थे डे फ्लाई। मतलब डे फ्लाई का मतलब ऐसी मक्खी जिसका जीवन काल जो हो एक दिन का हो, ठीक है, मतलब एक दिन में पैदा होगी, बढ़ेगी, सारा काम करके वो एक दिन के अंदर ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वहीं से ये वर्ड आया है। मतलब कोई भी काम ऐसा हो जो अस्तित्व में भी आए, स्टार्ट भी हो, अस्तित्व में भी आए और तुरंत खत्म भी हो जाए और उसका कोई भी ट्रेस ना बचे। ओके, तो यहाँ से ये वर्ड आया है आपका एफेमेरा से, जिससे ये वर्ड बना है एफेमेरल। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो एफेमेरल शब्द होता है इसका एक सिरोनिम होता है जिसे हम कहते हैं इवेनेशेंट। इवेनेशेंट का मतलब भी यही होता है कि स्टेइंग फॉर रिमार्केबली शॉर्ट टाइम वेनेसिंग। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत थोड़े समय के लिए हो, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु खत्म हो रही होती है या कोई भी कंडीशन हो जो खत्म हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं इवेनेशेंट। मतलब वो अपने अंत के कगार पे होती है। तो यहाँ से आपका जो ये एक यहाँ पे रूट वर्ड आपका समझ लीजिए बनता है, वो क्या है? ESCE से। ये इसका मतलब क्या होता है? बिगिन टू। तो ये वर्ड कहीं भी आपको अगर आखिरी में देखने को मिले, बीच में देखने को मिले, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत के बारे में वो बात कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या है? एडोलोसेंट। एडोलोसेंट में भी ये देखिए आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? बिगिनिंग टू ग्रो अप। एडोलसेंट उस एज को कहते हैं जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था का मतलब क्या होता है? किशोरावस्था वो अवस्था होती है जब कोई भी बालक हो चाहे बालिका हो, वो अपने बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ता है। तो वो जो बीच का साल होता है 14 से लेकर के 17 तक का, वो क्या कहलाता है? एडोलसेंट, ठीक है। तो बिगनिंग टू ग्रो अप, या फिर लिखा बिगनिंग टू बिकम एन एडल्ट, कि एडल्ट बनने की जो उम्र होती है वो क्या कहलाती है? एडोलसेंट। मतलब वो एडल्ट बना नहीं है, वो जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको कहा जाता है। एक और वर्ड है इसी से क्या है लिखा हुआ?
इवेनेस, इवेनेस का मतलब भी क्या होता है, बिगिन टू वैनिश, ये आपका इसी से बना हुआ वर्ड है। बिगिन टू वैनिश का मतलब क्या, जैसे हम कह सकते हैं अंत की शुरुआत होना, मतलब खत्म होने की शुरुआत होना। और एक वर्ड इसी से क्या बनता है, कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस का मतलब क्या होता है, इसको मैंने बताया भी हुआ है, बिगिन टू गेट वेल आफ्टर इलनेस, कि आप जब बीमार हो काफी, उसके बाद जो आपकी सेहत में सुधार हो, तो वो जो कंडीशन कहलाती है, जब आप क्या करते हैं सेहत में अपने सुधार कर रहे होते हैं आराम करके, आपका अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो या आप बहुत बीमार हुए हो, कोई भयंकर बीमारी हुई हो, बीमारी ठीक हो गई हो लेकिन आपकी जो सेहत है वो अब कमज़ोर हो गई होगी, तो बीच की जो अवस्था होती है जिसमें आप आराम करके अपनी सेहत को वापस से प्राप्त करते हैं, तो वो कंडीशन, वो जो समय होता है क्या कहलाता है, कॉन्वेलेस। ठीक है, इसी से और एक वर्ड बनता है, क्या बना हुआ है, देखिए पुट्रेसेंट, पुट्रेसेंट का मतलब क्या होता है, बिगिन टू रॉट या फिर बिगिनिंग टू बिकम पुट्रेट, मतलब अगर किसी भी चीज़ के सड़ने की शुरुआत हो जाए, कोई चीज़ खराब हो रही होती है, तो उसे क्या कहेंगे, पुट्रेसेंट। एक और वर्ड है इसी से बना हुआ, क्या लिखा हुआ है, ऑप्सोलेसेंट, ऑप्सोलेसेंट का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग टू ऑप्सलेट, ऑप्सलेट का हम मतलब समझते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है जो अब इस समय काम में नहीं आ रही है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ऑप्सलीट हो गई है, मतलब पुराने समय में काम आती थी लेकिन अब काम में नहीं आ रही है। इसी तरह अगर कोई वस्तु ऑप्सलीट होने लगे, मतलब जिसको लोग नकारने लगे, यूज ना करें, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा ऑप्सोलेसेंट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये कहीं भी ऐप का आएगा ESC, तो इसका मतलब होगा बिगिन टू, अब जिस भी बात के सामने आएगा उसी की वो शुरुआत हो रही होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं, ये भी इसी तरह का वर्ड है, क्या लिखा हुआ है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, हाउ नॉट टू कॉल अ स्पेड, हाउ नॉट टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या है, यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डेथ, सेक्स, सर्टेन पोर्शन ऑफ एनाटॉमी, एक्सर्शन, ETC, मतलब इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जिनको कई लोग होते हैं जो इसका अर्थ जानते रहते हैं और इसके अर्थ से काफ़ी डरते हैं इनका प्रयोग करने से, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अगर उनको डेथ का प्रयोग करना है तो उसको करने से बचेंगे, तो वो क्या करते हैं ऐसे वर्ड को, वो क्या करते हैं, इनका सर्कमलोकेशन करते हैं। सर्कमलोकेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी बात को घुमा फिरा के कहें, कहेंगे बात लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे, उसके इर्द गिर्द घूम फिर के आप बात को कहेंगे, तो ऐसे लोग अगर डेथ का इस्तेमाल करना होगा तो वो क्या कहेंगे, डेथ नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि अगर उनको डाई इस्तेमाल करना हो तो क्या कहेंगे, एक्सपायर हो गया कोई, या फिर डिपार्ट दिस लाइफ, वो अपनी ये जिंदगी छोड़ के चला गया, पास अवे हो गया, लीव दिस वेल ऑफ टीयर्स, इस तरह के एक्सप्रेशन का या फिर फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट वो नहीं कहेंगे कि उसकी डेथ हो गई, वैसे बताएंगे एक्सपायर हो गया, उसने अपनी लाइफ छोड़ दी, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसा कभी भी करा जाता है कि वर्ड जो होते हैं उनके डायरेक्ट ना बोल करके उनको सर्कमलोकेट किया जाए और इस तरीके से बोला जाए, तो वो क्या कहलाता है, यूफेमिज्म कहलाता है। ओके, मेरे ख्याल से आपको अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये जो आपका यूफेमिज्म है बना कैसे है, तो इसमें एक तो ये आपका क्या है, प्रिफिक्स है यू, यू का मतलब क्या होता है, गुड, और यहाँ पे क्या है, फीम, फीम का मतलब क्या होता है, वॉइस। तो अगर हम आइटमेजिकली देखें तो क्या कहलाएगा कि अगर कोई भी बात अच्छे आवाज में कही जाए, अच्छे आवाज में मतलब कि अगर किसी की डेथ के बारे में बात करनी हो तो डेथ अगर हम कहते हैं तो कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाए उससे, लेकिन हम डेथ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या हो गया कि वो अपनी इस जिंदगी को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गया, तो थोड़ा सा कहने में और सुनने में ठीक लगता है। ठीक है, और इसी यू से आपके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे क्या है, इफनी, इफनी का मतलब क्या होता है, गुड साउंड। ठीक है, फोन, फोन ये जो आपका होता है ये साउंड के लिए यूज होता है, मैंने रूट वर्ड पहले इसके बारे में बताया और इससे कितने सारे वर्ड बने थे वो भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप पिछले जो पार्ट हैं उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, 8 तक जो मैंने पार्ट दिए हुए हैं, बहुत ही लाभदायक होंगे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में, इंग्लिश को लेकर के आपकी जो शिकायतें होती हैं कैसे इंप्रूव की जाए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिर इसी से वर्ड बनता है यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब, यू का मतलब तो गुड हो गया, लॉजी का मतलब, लॉजी का एक मतलब तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की साइंस हो या फिर किसी तरह का अध्ययन हो तो उसे हम लॉजी कहते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ और भी बताया था मैंने आपको कि इसका मतलब क्या होता है कि स्पीच से होता है, इस मतलब लॉजी का मतलब स्पीच से होता है या फिर किसी भी लैंग्वेज से आपका इसका मतलब होता है, लॉजिक को हम इससे भी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो लॉजी है वो साइंस नहीं है बल्कि वो किसी भी बात के लिए यूज़ किया जा रहा है, स्पीच या लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो जब भी हम यूलॉजी बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो अगर हम शब्दशः मतलब देखें तो क्या होगा, गुड स्पीच, लेकिन जो इसका प्रयोग होता है उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मल स्पीच ऑफ प्रेज, जब आप किसी की प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए कुछ बात बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यूलॉजी कहा जाता है। इससे एक और वर्ड बनता है, क्या है, यूफोरिया, इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे म्यूजिक बैंड्स का नाम होता है यूफोरिया, यूफोरिया में यू तो आया, इसका मतलब क्या होता है, गुड। ठीक
ठीक है, यहाँ पे फोरिया का मतलब क्या होगा, फीलिंग्स है कि जब आपके पास अंदर गुड फीलिंग हो, तो ये तो इसका शब्दशः मतलब हो जाता है। मेन इसका मीनिंग क्या होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर उत्साह की कंडीशन हो, हिंदी में अगर बात करें उत्साह मतलब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, मेंटली भी, दिमागी रूप से भी और फिजिकली भी, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, यूफोरिया की कंडीशन होती है। फिर इसी से एक वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, अगर हम शब्दशः बात करें मतलब होगा गुड डेथ, यू का मतलब गुड और डेथ मतलब अच्छी मौत। लेकिन यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, यूथनेसिया को हम सरल भाषा में अगर चाहें कहना तो हम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी मौत खुद चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है, यूथनेसिया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी मौत खुद क्यों चाहेगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, मतलब उसके बचने की कोई कंडीशन नहीं रहती है, उसके इलाज के लिए कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं, कोई दवा उपलब्ध नहीं है, वो केवल हॉस्पिटल में भर्ती ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका जो इलाज का खर्च है, क्योंकि सही तो से होना नहीं है, उसके परिवार पे बोझ की तरह पड़े, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी भी एकदम बोझिल सी लगती है, क्योंकि 24 घंटे 12 महीने उसे बेड पे ही पड़े रहना है। तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि उनको उनकी इस खराब ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया जाए, वो भी मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन को कहा जाता है यूथनेशिया, जब आप अपनी मौत खुद चाहते हैं कि मुझे इस तरह तिल तिल के मरने से अच्छा है कि मुझे आप एक बार में ही कोई भी जहर दे करके मार दीजिए। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, कुछ देशों में यूथनेशिया को लीगल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, इनमें से भारत भी एक है, जहां पे यूथनेशिया की इजाज़त नहीं है, ये इलीगल है। ठीक है, आप अपनी मौत खुद से नहीं चाह सकते, खुद से नहीं ले सकते अपनी मौत को, तो ये अभी इलीगल है। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हो रही है, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे संस्थाएं इस पर लगी हुई हैं इसके बारे में कि इसको लीगल करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये लीगल हो जाएगा तो इसके एवज में बहुत सारे लोगों को मारा भी जा सकता है, इसलिए इसके दोनों ही पक्ष बहुत ही मजबूत हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दूसरा जो वर्ड है ये क्या है, इसको कहेंगे बैडिनेज। बैडनेस का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को कुछ बातें बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, उनसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और वो एक तरीके से उनका मजाक उड़ाने के लिए होता है, हंसी के लिए होता है, ह्यूमर में बोलते हैं, लेकिन इसलिए नहीं होता है कि उनको बहुत गहरी चोट पहुँचे, बहुत धक्का लगे। तो ऐसे जो वर्ड हैं जिनसे आप किसी व्यक्ति को घायल तो नहीं करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक मजाक के तौर पर बोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बैडनेस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बैडिनेस से रिलेटेड कुछ और शब्द हैं, जैसे क्या है, क्लीशे, इसे हम क्लीशे पढ़ते हैं। क्लीशे को ज़्यादातर राइटिंग के लिए, मतलब जब आप कुछ लिखते हैं आर्टिकल वगैरह, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आप कहते हैं ना कि बहुत ही क्लीशे आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो उसका मतलब क्या होगा, क्लीशे आर्टिकल का मतलब कि ये लिखा हुआ है, अ क्लीशे इज अ पैटर्न ऑफ वर्ड विच वॉज वंस न्यू एंड फ्रेश बट विच इज नाउ सो ओल्ड वॉर्न एंड थ्रेड वेयर दैट ओनली बैनल। मतलब कि क्लीशे वो सारे वर्ड्स का पैटर्न होता है जो कभी नए रहे होंगे, जिनका इस्तेमाल पहले होता रहा होगा धड़ल्ले से, लेकिन आज के समय में वो जो वर्ड्स हैं, जो चॉइसेस हैं, या जो पैटर्न है, वो काफ़ी पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, उसको कोई यूज नहीं करता है, फिर भी अगर आप उसे यूज करते हैं एक तरीके से वो बैनल हो गया, मतलब उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, किसी को उसकी परवाह नहीं। आप अगर कहीं पर यूज़ करते हैं इस तरह के वर्ड्स को, तो वो आदमी कहेगा पढ़ करके कि जो राइटर है क्या है, बहुत ज़्यादा उसने क्लीशे राइटिंग, क्लीशे राइटिंग का मतलब उसने बहुत ही घिसे पिटे वर्डों का इस्तेमाल किया है जो आजकल होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं क्या है, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड तो वैसे तो आप जानते होंगे, ब्रोमाइड एक तत्व का भी नाम है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, ह्यूमर की, मजाक के तौर पे बोले जाने वाले वर्ड्स। तो ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आपस में मतलब बहुत ही ज़्यादा घिसे पिटे हों, डल हों, जिनमें कोई भी जान नहीं हो और एक तरीके से गलत भी हों, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा ओरिजिनल, आपको ओरिजिनलिटी थिंकिंग मिलेगी, जिससे कि जो भी सुन रहा होगा उसे थोड़ा ही देर के लिए वो सही मान लेगा कि जो भी स्पीकर कह रहा है वो क्या है, सही है। तो उसी ही कंडीशन को या उस तरह के जो शब्दों का चयन है जब इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे ब्रोमाइड कहते हैं। इससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं एनोडाइन।
एनोडाइन का मतलब क्या होता है? एनोडाइन अगर हम जनरल भाषा में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसी दवा जो आपको हो रहे दर्द को कम कर दे, तो एनोडाइन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम शब्द की बात कर रहे हैं, वर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनोडाइन का मतलब क्या होगा कि एनोडाइन का मतलब होगा ऐसे सारे शब्दों का चयन जिसे आप किसी व्यक्ति को कहते हैं, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 4 दिन में मरने वाला हो, 5 दिन में मरने वाला हो, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जा करके? नहीं नहीं आपको कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो आपको भी पता है कि आप जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, गलत है, लेकिन आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं कि जो भी लिसनर होगा उसे वो सही मान लेगा और उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाए आपके द्वारा बोले गए शब्दों से, तो वो आपका जो शब्दों का चयन होता है क्या कहलाएगा, एनोडाइन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बोविन। इसको एक कई जगह पे बोविन कहा जाता है और कई जगह पे इसे प्रोनाउंशिएट करने बोवेन कहा जाता है, मतलब इसको अगर प्रोनाउंशिएट करें तो ऐसे होगा ए बोवेन, ठीक है? तो आप देखिएगा किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करना है इसको। इसका मतलब क्या होता है, बोवेन का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा हो। जैसे लिखा है, यू हैव सीन अ काउ कंटेंटेडली मंचिंग इट्स कर्ड, नथिंग सीम्स केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग दिस एनिमल एंड द एनिमल सीम्स टू वॉन्ट नथिंग मोर आउट ऑफ लाइफ देन टू लीड अ सिंपल वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। सम पीपल आर लाइक काउ काम पेशेंट प्लेसिड फ्लैगमेटिक वेजिटेबल लाइक। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सौम्य हो, सीधा हो। फ्लैगमेटिक को हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर सुस्त हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई व्यक्ति सीधा हो, ज़्यादा बोलने वाला नहीं हो, कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा संतोषी व्यक्ति हो, कोई भी उसको बुरा भला कहे तो भी वो शांत खड़ा रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, बोविन कहलाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वर्ड आपका बना कहाँ से है, तो ये बना है बोविस से। बोविस का मतलब होता है ऑक्स से या फिर काऊ, तो यहाँ से वर्ड बना है, इन्हीं एनिमल के ऊपर बना है कि जो व्यक्ति इस तरीके से व्यवहार करे, किसी काऊ की तरीके से व्यवहार करे, गाय की तरीके से, कहते हैं कि आदमी गाय की तरह सीधा है। गाय की तरह सीधा का मतलब कुछ नहीं बोलेगा, केवल अपने काम से मतलब रखेगा, कोई कुछ बोलेगा भी तो उसको कोई असर नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह से जानवरों को लेकर के बहुत सारे और करेक्टर बनते हैं, जैसे क्या है, लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति कैसा है, शेर की तरह है, लाइक अ लॉयन इन अपीयरेंस एंड टेम्परामेंट, मतलब उसका व्यवहार और जो अपीयरेंस है वो कैसा है, शेर की तरह। कोई व्यक्ति अगर बहुत लंबा चौड़ा हो, दिखने में बहुत मजबूत हो और बहुत ज्यादा टेम्परामेंट उसका हाई हो, तो कैसा, क्या कहेंगे उसे आप, लियोनाइन कहेंगे। इसी तरह आपका वर्ड बनता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या होता है, लाइक अ डॉग। लिखा है एज अ नाउन द वर्ड रिफर्स टू द स्पीसीज टू विच डॉग्स बिलोंग। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते की तरह हो, जैसे कुत्ते की खासियत उसके अंदर हो, बहुत तेज सुनता हो, या फिर उसके नुकीले दांत हो, इस तरीके का मुंह हो, तो वो क्या कहलाएगा, कैनाइन कहलाएगा। इसी से एक वर्ड बनता है फेलाइन। फेलाइन का मतलब क्या होता है, कैट लाइक। अगर कोई व्यक्ति कैट लाइक हो, कोई व्यक्ति का मतलब इसमें आदमी और दोनों आ जाएंगे, कि अगर कैट की तरह, बिल्ली की तरह कोई चपल चपल हो, चतुर हो, तो वो क्या कहलाएगा, फेलाइन कहलाएगा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है जो काफी ज्यादा यूज होता है, वो क्या है, वल्पाइन। वल्पाइन बहुत ही वर्ड यूज होता है लिखने में। वल्पाइन का मतलब क्या होता है, फॉक्स लाइक इन अपीयरेंस और टेम्परामेंट। वेन अप्लाइड टू पीपुल दिस एडजेक्टिव यूजली इंडिकेट द श्यूडनेस ऑफ अ फॉक्स। मतलब जब आप किसी व्यक्ति के लिए वल्पाइन का प्रयोग करते हैं तो वो बताएगा कि वो लोमड़ी की तरह कैसा है, धूर्त है, चालाक है, तो उस व्यक्ति के लिए यूज करेंगे हम वल्पाइन। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड कहलाएगा आपका नॉस्टैल्जिया। कई जगह पे इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, कई जगह पे इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, ठीक है? तो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा है गुड ओल्ड डेज। गुड ओल्ड डेज का मतलब क्या है, लिखा है डू यू रिमेंबर एक्सपीरियंस अ कीन ऑलमोस्ट फिजिकल लॉन्गिंग फॉर एसोसिएशन और प्लेस फॉर द पास्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे आपने अपने जो पुराने दिन थे या फिर बचपन के दिन थे बिताए होंगे, जैसे आप किसी एक शहर में रह रहे होंगे या किसी छोटी जगह पे रह रहे होंगे, बाद में चल के आप किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन फिर से अगर कभी 4 साल 10 साल बाद आपका उस शहर में जाना होता है, तो उन सारी जगहों को देख करके एकदम आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आपको पुराने दिन याद आने लगते हैं कि आप यहीं पे खेला करते थे, आप यहीं पे रहा करते थे, आप यहाँ पे घूमने जाते थे, यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे ये करते थे, तो वो जो आपकी फीलिंग होती है वो क्या कहलाएगी, नॉस्टैल्जिया कहलाती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू पास द नेबरहुड इन विच यू वर बॉर्न और वेयर यू स्पेंट योर अर्ली ईयर्स डू यू हैव अ शार्प स्ट्रेंज रिएक्शन ऑलमोस्ट एकिन ऑफ मिल्ड नोजिया। तो जब भी ऐसा हो कि आपको अपने पुराने दिन याद आए, किसी वस्तु को देख करके, कंडीशन को देख करके, कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि किस कुछ समय आपने गाना सुना होगा किसी सन में, वही गाना अगर आपके सामने फिर से वापस आ जाता है तो आपको वही पुराने दिन याद आने लगते हैं, तो उस समय जो फीलिंग आती है आपके अंदर क्या कहलाएगी, नॉस्टैल्जिया। तो ये जो वर्ड है आपका दो रूट वर्ड से बना हुआ है, एक तो है
नॉस्टोस, नॉस्टोस का मतलब होता है आ रिटर्न, एल्गोस का मतलब होता है पेन। मतलब एक तरीके का, जब आपको पुराने दिन याद आते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, तो ये आपका वहीं से बना हुआ है कि जब आपको पुराने दिन याद आए तो क्या कहलाएगा, नॉस्टैल्जिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है। कैकोफोनस का मतलब क्या होता है, साउंड दैट ग्रेट, मतलब बहुत ही कर्कश अगर कोई आवाज हो। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी इसी वर्ड पावर मेड इजी वाली सीरीज में, जब हमने फोन की बात की थी, तो एक तरफ था जो संगीत जो कानों को अच्छा लगे, एक तरफ था संगीत जो कानों को बुरा लगे, ठीक है, दोनों बताया था। तो वहीं से ये वर्ड आपका आया है कैकोफोनस, मतलब कि साउंड ऐसा जो आपको बहुत ही खराब लगे, बहुत ही कर्कश हो, मतलब ऐसा कर्कश हो कि एकदम आपके कान फट जाए, आप उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई भी स्वीटनेस नहीं होगी, कोई हार्मनी नहीं होगी, कोई प्लेजेंटनेस नहीं होगी। तो ऐसा जो साउंड होगा, ऐसी जो आवाज़ हो, क्या कहलाएगी, कैकोफोनस। और ये बना कहाँ से है, वहाँ पर मैंने बताया हुआ था, बना है कैकोस से। कैकोस का मतलब होता है बैड, हार्श या अगली। और फोन का मतलब आप समझते हैं, फोन का मतलब क्या होता है, आवाज़ से, साउंड जिसे हम कहते हैं, तो वहीं से बना है कैकोफोनस। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस आप शब्द बहुत बार सुनते होंगे, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ये सारे शब्द। इसका मतलब क्या है, कार्निवोरस अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई जीव है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब हम लोग कार्निवोरस हैं क्या, इंसान नहीं, हम लोग कार्निवोरस नहीं है। मांसाहारी जो व्यक्ति होगा, जो कार्निवोरस होगा, वो केवल और केवल मांस पे डिपेंड होगा। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, मतलब इनके पास अगर खाने को कुछ भी ना रहे, मतलब कोई भी मांस ना रहे, तो ऐसे नहीं करेंगे कि ये फल खाने लगेंगे, घास खाने लगेंगे, नहीं, मर जाएंगे, लेकिन ये लोग घास नहीं खाएंगे, ये लोग मांस पे ही जीवित रहते हैं, और ये केवल मांस ही खाएंगे, किसी भी तरीके का फल फूल सब्जी ये नहीं खाते हैं। तो ऐसे जानवर या ऐसे व्यक्ति अगर कोई है आपके आसपास जो केवल मांस पे ही जीवित है, मर जाए तो भी कुछ और नहीं खा सकता है, तो क्या कहलाएगा, कार्निवोरस कहलाएगा। ओके, तो इसी कार्निवोरस को हम देखते हैं बना कहां से, तो ये बना है कार्नेस से। कार्नेस का मतलब होता है फ्लैश, मतलब मांस, और वोरो का मतलब होता है टू डिवोर। डिवोर का मतलब जब आप बहुत ही, जैसे बहुत भूख लगी रहती है तो हम कैसे खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जिसको कहते हैं कई बार हिंदी में भकोसना, तो वो आपका वोरो वर्ड यहाँ पे इंक्लूड करता है। क्योंकि जानवर खाते हैं तो कैसे खाते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे खाते हैं जैसे पहली बार उनको खाना मिला होगा, एकदम जुट के, एकदम तोड़ तोड़ के ऐसे खाएंगे, तो वही आपका वर्ड कहलाता है वोरो। और इसी वोरो से आपके और सारे शब्द बनते हैं, जैसे क्या है, हर्बी वोरस। अब हर्बी वोरस अगर कोई है, तो हर्बी वोरस का मतलब क्या होगा, कि ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवित रहने के लिए भोजन के तौर पे केवल और केवल वेजिटेबल का इस्तेमाल करता होगा, मतलब केवल शाकाहार पे वो जीवित होगा, मतलब वो फल खाएगा, सब्जी खाएगा, फूल खाएगा, घास खाएगा, लेकिन वो मांस को टच नहीं करेगा, चाहे वो मर जाएगा। जैसे अगर जंगल की बात करें, घर की बात करें, कहीं भी अगर काऊ है, आपके घर में गाय है, घोड़े हैं, तो आप उनको मांस नहीं खिला सकते, भले ही उनको आप 10 दिन भूखा रख लीजिए, मांस रखेंगे तो मांस वो नहीं खाएंगे। तो ऐसे जो प्राणी होंगे वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस कहलाएंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग भी होते होंगे जो हर्बीवोरस होंगे, हर्बीवोरस का मतलब वो अपने ऊपर कहेंगे कि हम शाकाहारी हैं, हम वेजिटेरियन हैं, जिसको कहते हैं वेजिटेरियन का मतलब तो केवल वेजिटेबल पे डिपेंड रहने वाला। हम हर्बीवोरस की जब बात करते हैं, तो हर्बीवोरस में वेजिटेबल और जितने भी फ्रूट्स हैं और घास वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। फिर इसी से एक वर्ड बनता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, जैसे हम मनुष्य होते हैं, मतलब कि ऐसे जानवर या ऐसे प्राणी जो मांसाहार भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, शाकाहार भी कर सकते हैं, दोनों ही आसानी से पच जाता है उनको। उनके शरीर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो मांसाहार करेंगे तो पचेगा नहीं, वो शाकाहार करेंगे तो पचेगा नहीं, सब कुछ आसानी से पच जाता है। जैसे हम मनुष्य होते हैं, हम रोटी सब्जी दाल भी खाते हैं, और मांस भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, दोनों ही चलता है हमारे अंदर। इसी तरह कुछ जानवर भी इस तरह होते हैं, जैसे आप कह लीजिए कुत्ता हो गया, कुत्ता आपका दूध भी पिएगा, रोटी भी खाएगा और मांस भी खाता है, ठीक है। या फिर चूहे हो गए, वो भी इस तरह के बिहेवियर को दिखाते हैं। बंदर हो गए, तो सब क्या है, ओमनीवोरस है, ठीक है। उनको आप अगर किसी भी कुत्ते को आप कहे कि ये कार्निवोरस है, तो भी सही नहीं होगा। कार्निवोरस का मतलब होगा केवल मांसाहार, हर्बीवोरस का मतलब होगा केवल शाकाहार, या फिर केवल हर्ब्स पे डिपेंड रहेगा। ओमनीवोरस का मतलब होगा जो जिसको दोनों चलता हो, ठीक है। इससे एक वर्ड और बनता है क्या, वोरेसियस। वोरेसियस का मतलब क्या होता है, हेंस ग्रीडी और ग्लटनेस मे रिफर इधर टू फूड और एनी अदर हैबिट्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति वोरेसियस है, मतलब वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खाने वाला है, एकदम टूट पड़ने वाला है खाने को देख के, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा क्या कहलाएगा, ऐसी जो हैबिट होगी क्या कहलाएगी, वोरेसियस। मतलब कोई व्यक्ति आप देखते होंगे, वही तमीज ने एकदम टूट पड़े, दोनों हाथ से खाने लगे, तो क्या होगा, वोरेसियस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है प्राइवेट एंड पब्लिक।
बताने की कोशिश की गई है कि कुछ चीजें होती हैं हम भी करते हैं, कुछ चीजें जो प्राइवेट में करते हैं, जैसे हमको अगर बाथरूम जाना है, नहाने जाना है, तो वो हम ऐसा नहीं करते कि सड़क पे खड़े होकर ही करेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नहाने जाना है बाथरूम में करते हैं, मतलब अकेला बंद करके जो है नहाते हैं, ठीक है? तो कुछ चीजें होती हैं जो हम अकेले में करते हैं, प्राइवेट में करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पब्लिक में अकेले में कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई गलत काम है, नहाना कोई गलत काम नहीं है जो आप अकेले में कर रहे हैं, लेकिन उसको अकेले में हम करते हैं। ओके, तो ऐसी ही कुछ आपकी आदतें होती हैं जो आप अकेले में करते हैं, हालांकि वो गलत नहीं होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले में टीवी देखते हैं, ठीक है, उनको और किसी की डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती होगी। लेकिन कुछ काम इस समाज में ऐसे भी होते हैं जिसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसे छुपा कर किया जाता है प्राइवेटली, और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी के साथ, कि वो उस की जो भनक है वो आसपास की जनता को ना लगे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जिसको पब्लिकली नहीं किया जा सकता है, या फिर जो इलीगल है, वो क्या कहलाएंगी, क्लैंडेस्टाइन, जिसकी खबर किसी को नहीं रहती है। और ये जो आपका बना है शब्द, ये इसका रूट वर्ड क्या है, ये है काम कह सकते हैं, क्लैम कह सकते हैं, जिसका मतलब ही होता है क्या, सीक्रेटली। जब आप कोई भी काम करें बहुत ही गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से करेंगे, तो क्या कहलाएगा, क्लैंडेस्टाइन। ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमेशा बुरे कामों को दर्शाने के लिए, पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, तो ये थे वो 10 वर्ड जो मैंने आपको बताए, 10 वर्ड का, इसमें बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, हालांकि मोटे मोटे तौर पे 10 वर्ड बताए, रूट वर्ड के साथ में क्यों उनको कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, और क्या उनमें मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से उनको इस तरीके से नाम दिया गया है। मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत सारे लोगों को मैं कमेंट करते हुए देखता हूँ फेसबुक वगैरह पर, कि उनको वर्ड पावर मेड इजी चाहिए, तो आप यहीं से वीडियो से देख सकते हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, जिससे उन सब लोगों को जिनको नहीं पता है, उनको भी पता चल सके कि पूरी वर्ड पावर मेड इजी सीरीज जो है वो हम बना रहे हैं, और आप आसानी से उसमें से वर्ड सीख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपकी पूरी बुक कवर हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको तुरंत की तुरंत अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इसलिए क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब के ठीक बगल जो होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।